अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद। मैं हूँ वकास, आप देख रहे हैं बिजनेस कॉल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज हम एक ऐसे कारोबार के बारे में बात करने जा रहे हैं, बल्कि बात नहीं करने जा रहे हैं, प्रैक्टिकली मैं आपको एक चीज़ बनाना सिखाने जा रहा हूँ जिसके रेट्स मार्केट में बहुत अप है और उसके बनाने की जो कॉस्ट है वो बहुत कम है। मार्केट में कंपटीशन भी बहुत कम है, सिर्फ चंद एक बड़े बड़े नाम है जो ये काम कर रहे हैं। आप भी अगर मैदान में आ जाए मुकाबले के लिए तो यकीनन आप इसमें बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल कर सकते हैं, मुनाफे भी कमा सकते हैं बेतहाशा, और कामयाबी भी इंशाल्लाह आपके कदम चूमेगी। आज हम बनाने जा रहे हैं वॉल पट्टी। दीवारों पे जो पेंट होता है, पेंट करने से पहले फिलिंग के लिए जो यूज़ होती है वॉल पट्टी, वो हम आज बनाना सीखने जा रहे हैं। बहुत ही आसान सा काम है, बहुत ही सस्ते वाला काम है। सीखिए और फिर खुद बनाइए और मार्केट में लॉन्च कीजिए। बहुत आसान काम है, मज़ेदार काम है, मुनाफे बख्श काम है और कम कंपटीशन वाला, थोड़े मुकाबले वाला काम है। इजीली आप कर सकते हैं। सेल करने के बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं, मार्केट करने के बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं। आप डायरेक्ट दुकानों पर सेल कर सकते हैं, या आप बिल्डर्स के साथ कॉन्टैक्ट करके, या पेंट वाले जो होते हैं उनके साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके भी आप ये चीज़ सेल कर सकते हैं। यह आप पे डिपेंड करेगा कि आप इसको किस तरह से, किस अंदाज में सेल करना चाहेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बनाना सीख लें, बाकी बातें करेंगे बाद में। सबसे पहले मशीन चलाने के बाद हमने इसमें पानी डाल दिया है 15 लीटर। 15 लीटर पानी डालने के बाद मशीन को चला दिया गया है। इसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं कास्टिक पत्री। 200 ग्राम कास्टिक पत्री इसमें अभी ऐड की जा चुकी है और ये उसी स्पीड से चलती जा रही है। बहुत ज़्यादा स्पीड से चल रही होती है मिक्सर, बेसिकली इसके पार्टिकल्स को तोड़ना होता है। जो जो मटेरियल्स हम इसमें डालते हैं उसके पार्टिकल्स को तोड़ना होता है। इसके बाद हम इसमें स्टार्च डालेंगे, जिसे माया भी कहते हैं, कपड़ों को लगाने वाली, कलफ भी कहते हैं आई थिंक, ये वो चीज़ है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें हमने कास्टिक पत्री और स्टार्च ऐड कर दिया है और उसके बाद इसको मिक्सिंग के लिए हम थोड़ी देर छोड़ देंगे। इसके आगे अगर मैं अभी आपको हालत दिखाऊं तो ये एक बहुत ही गाढ़े किस्म का मादा बन के तैयार हो चुका है। 15 लीटर पानी में 200 ग्राम कास्टिक पत्री और 1 किलो स्टार्च। इसके बाद हमने इसमें 150 ग्राम 150 ग्राम फार्मलिन ऐड कर दी। अभी आपके सामने 150 ग्राम फार्मलिन ऐड की गई और अब हम मरगाल लिक्विड जो है वो इसमें 50 ग्राम ऐड कर चुके हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम इसको मिक्सिंग के लिए छोड़ देंगे। अच्छी तरह से मिक्सिंग हो जाएगी और उसके बाद हम इसमें 10 किलो पानी मज़ीद ऐड करेंगे। 10 लीटर पानी का मज़ीद इसमें इजाफा कर दिया गया है और फिर हम इसको मिक्सिंग के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे वैरायटी। 50 किलो हम इस फार्मूले में वैरायटी ऐड कर रहे हैं। हम अपनी बना रहे हैं वाल पट्टी। वाल पट्टी बनाने के लिए ये डस्ट उड़ेगी इसमें से, तो आपने डस्ट से बचना है, ग्लव्स का इस्तेमाल करना है, मास्क का इस्तेमाल करना है और आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली हम इसमें वैरायटी ऐड करते जाएंगे। टोटल 50 किलो हमने ऐड कर लिए, लेकिन स्लोली स्लोली, वक्फे वक्फे के साथ साथ, एकदम से इन्हें पूरा थैला नहीं उल्टा देना, आहिस्ता आहिस्ता हम इसमें वैरायटी जो है वो 50 किलो शामिल करते चले जाएंगे। अभी इसमें तमाम वैरायटी जो है 50 किलो की 50 किलो ऐड की जा चुकी है। आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है मिक्सर घूम रहा है बड़ी तेज़ी के साथ, लेकिन वैरायटी अभी प्रॉपर चूंकि मिक्स नहीं हुई इसलिए आपको ऊपर आहिस्ता आहिस्ता घूमती नज़र आ रही होगी। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने पानी के साथ एक कपड़े को गीला करके साथ साथ मिक्सर को साइडों से साफ करते रहना है। हमारा जो बाउल है, हमारा जो ड्रम है मिक्सर का, इसको साथ साथ साफ करते रहना है। इसके साथ चिपक ना जाए हमारा माल और दाना वगैरह जो है साथ चिपक ना जाए, इसलिए साथ साथ हम इसकी सफाई भी करते रहेंगे।
अच्छा जी, उसके बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं बीपी 26 500 ग्राम, और इसमें एक्रेलिक भी शामिल है 500 ग्राम। दोनों चीज़ें 500 ग्राम मिक्स करके हम इसमें ऐड कर रहे हैं, बीपी 26 और एक्रेलिक। अभी आप देखेंगे कि आपको इसकी शाइनिंग बदलती हुई नज़र आएगी आपका जो मटेरियल मिक्स हो रहा है। अच्छा जी, मिक्सिंग के बाद हम इसमें ऐड करेंगे CMC। कि मिक्सिंग अच्छा खासा टाइम होती है, तो तमाम टाइम जो है वीडियो में रिकॉर्ड नहीं कर सकता, वीडियोस कट कट के रिकॉर्ड की जाती हैं, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हल करना है। ये नहीं करना कि जैसे वीडियो में ऊपर नीचे सब चीज़ें आ रही हैं आप भी धड़ाधड़ डांट के चले जाएँ। CMC 200 ग्राम अभी हमने इसमें ऐड कर दिया है, ये भी हम स्लोली स्लोली ऐड करते चले जाएंगे और एकदम सही 200 ग्राम इसमें उल्टा नहीं देंगे, ताकि प्रॉपर अच्छी तरह से मिक्सिंग हो जाए इसकी, एक एक ज़र्रा जो है वो इसमें प्रॉपर मिक्स हो जाए हमारा मटेरियल। इसके बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं PTF, इसको भी हम इसमें ऐड करते चले जाएंगे स्लोली स्लोली, एकदम से सब कुछ उल्टा नहीं देंगे, स्लोली स्लोली ऐड करेंगे ताकि तमाम चीज़ें उसमें प्रॉपर जिस तरह से मिक्सिंग हमें चाहिए वैसे मिक्सिंग होती चली जाए। थोड़े थोड़े वक्फे से ठहर ठहर के हमारा पहले वाला मटेरियल मिक्स होगा, फिर हम उसमें मज़ीद ऐड कर देंगे, फिर मज़ीद ऐड कर देंगे, और इस तरह से वक्फों वक्फों से अपना तमाम मटेरियल इसमें ऐड कर देंगे। अभी हाथ में लेके हम चेक कर रहे हैं कि इसका दाना जो है इसके अंदर वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तकरीबन ना होने के बराबर है। तो अब हमारा ये जो मटेरियल है ये मुकम्मल तैयार है। अब हम बाल्टियाँ इस तरह से ले लेंगे, बाल्टी के अंदर हम लगाएंगे शापर, और उसके बाद हमने मिक्सर बंद कर दिया है, और अभी हम मटेरियल को बाल्टियों में शिफ्ट करना शुरू करेंगे। जी फाइनली हम इस तरह से मिक्सर को उल्टा सकते हैं और अपनी बाल्टियों में वाल पट्टी फिल कर सकते हैं। अभी बाल्टियां भरी जा रही हैं, इनके ऊपर ढक्कन लगा के इनको मार्केट में सेल के लिए भेज दिया जाएगा। चलें जी, हमारी वाल पट्टी मुकम्मल तैयार हो चुकी है, पैक हो चुकी है। अभी हम इसके अखराजात की बात करते हैं कि हमें क्या रेट पड़ा, एक बाल्टी कितनी कॉस्ट आई, और मार्केट में इसकी क्या प्राइस चल रही है, कितना मार्जिन है, क्या रेशो है, ये तमाम चीज़ें अभी हम नेक्स्ट जाकर डिस्कस कर लेते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्टम्पर वगैरह बनाना भी सीखेंगे। जी, हमने सबसे पहले पानी लिया 15 किलो, उसके बाद हमने इसमें 200 ग्राम कास्टिक पत्री ऐड की, इसकी कीमत हमें पड़ी 24 रुपये। स्टार्च 1 किलो 120 रुपये की, फार्मलिन 150 ग्राम 12 रुपये की, मरगाल लिक्विड 50 ग्राम 20 रुपये का, और उसके बाद पानी 10 किलो फिर बिल्कुल फ्री वाला। वैरायटी 50 किलो 300 रुपये में, बीपी 26 500 ग्राम 30 रुपये में, अक्रैलक 500 ग्राम 150 रुपये में, CMC 200 ग्राम 160 रुपये, PTF 200 ग्राम 50 रुपये, और खुशबू 50 ग्राम 60 रुपये। कुल वज़न बना 78 किलो, जो कमें पड़ा 926 रुपये का पूरा बैच। अब अगर हम मुनाफे की तफसील की बात करें तो 926 रुपये में हमें 78 किलो का एक बैच तैयार पड़ा, मतलब कि 11 रुपये 87 पैसे फ़ी किलो में हमें हमारी वाल पट्टी तैयार पड़ी। अगर हम 16 किलो वाली बाल्टी की बात करें तो हमें 16 किलो मटेरियल बाल्टी में 190 रुपये का डलेगा। बाल्टी की कीमत ऐड करें 160 रुपये, तो हमें तैयार बाल्टी 350 रुपये में वाल पट्टी की 16 लीटर वाली पड़ेगी। अच्छा जी, अब दुकानदार को ये हम 600 से 650 रुपये में सेल करेंगे, और इसकी रिटेल जो है वो 900 से 1000-1200 रुपये, डिफरेंट ब्रांड्स के डिफरेंट रेट्स हैं। मिनिमम रेट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप अपनी मार्केट के हिसाब से इनके रेट्स
इससे ज़्यादा या कुछ कम भी कर सकते हैं। मुनाफे की तफसील आपके सामने है कि अगर आप एक दिन में 10 बाल्टियां सेल कर लेते हैं तो आप 3,000 से 3,500 रुपये आसानी के साथ मुनाफे के मद में कमा सकते हैं। अब अगर आप अपनी ये फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है। सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क आपकी प्रोडक्ट का बेसिकली नाम होता है, कंपनी का नाम नहीं होता। आपकी जो प्रोडक्ट होगी जो आप मार्केट में लाना चाहते हैं उसका आप नाम रजिस्टर करवाएंगे, ट्रेडमार्क 15,000 रुपये का हमें मिलेगा। वीडियो में दिखाई गई मशीन जिसकी कैपेसिटी 50 किलो है, हमने उसके साथ जुल्म करके उसमें 78 किलो माल बनाया है, 50 किलो से ज़्यादा माल इसमें नहीं बनाना। तो 1,15,000 रुपये की ये मशीन है स्टेनलेस स्टील में गियर मोटर के साथ। अगर हम बकेट्स या बाल्टियों की बात करें तो 50 बाल्टियाँ हमें तकरीबन 8,000 रुपये में आएंगी। इनको आप बढ़ा या कम भी कर सकते हैं अपने बजट के हिसाब से। 2,000 लेबल हमारे 20,000 रुपये में तैयार होंगे जो कि हम बाल्टी के ऊपर अपना स्टिकर चिपका करेंगे। और रॉ मटेरियल्स आप अपनी मर्ज़ी से ख़रीद सकते हैं, जितने मर्ज़ी ख़रीदना चाहें। फ़िलहाल एस्टिमेट के लिए हमने 22,000 रुपये के रॉ मटेरियल्स इसमें ऐड किए हैं। तो कुल मिला के 1,80,000 रुपये में आप अपनी डिस्टेंपर फैक्ट्री, जिसमें आप वॉल पट्टी, डिस्टेंपर, वेदर शील्ड और इस तरह के मुख्तलिफ मसनूआत जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। बाकी प्रोडक्ट्स पे भी इंशाल्लाह डिटेल्ड वीडियोस बहुत जल्द आपको मेरे यूट्यूब चैनल बिजनेस स्कूल पे देखने को मिलेंगी। अगर आप इस बिज़नेस में इंटरेस्टेड हैं, मशीन खरीदना चाहते हैं और या कुछ भी मज़ीद इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपके नंबर आ रहा है, आप इस नंबर पे रब्ता करके मज़ीद तफसीलात भी हासिल कर सकते हैं। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।